बिसमरिम अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र के साथ इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ तो आज की वीडियो में मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँगी नीम के बारे में और आप क्यों इसे यूज़ करें आपको लेना भी चाहिए कि नहीं नीम पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और आप खुद भी इसे बना सकते हैं तो वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी आप खुद कैसे बना सकते हैं और पाउडर फॉर्म में आप कैसे ले सकते हैं नीम के बहुत फ़ायदे हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी और आपकी स्किन से रिलेटेड भी लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्किन से रिलेटेड बताऊँगी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं टी से रिलेटेड तो उसमें नीम जरूर डला होता है वो इसलिए डला होता है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो हम नेचुरल तरीके से क्यों ना यूज़ करें क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें तो आपको बहुत नुकसान देती हैं आपकी स्किन पर तो आप नेचुरल तरीके से उसे यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा अगर हम हमारे बड़ों का दौर देखें जो पिछला दौर था उसमें कोई केमिकल कितनी चीज़ें नहीं मिलती थी वो नेचुरल चीज़ों से ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते थे तो क्यों ना हम भी करें तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है ये है ताकि आपको पता चल सके कि जो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ें रखी उनमें कितना फ़ायदा है अगर हमें इन फ़ायदों का पता चल जाए तो हम केमिकल की चीज़ें यूज़ ही ना करें तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अच्छा जो मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है वो है बायो फार्मेसी का यार ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं इन इस कंपनी की चीज़ें बहुत अच्छी है मैंने इनका नीम का यूज़ किया इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये कंपनी वाकई बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन ये इतना ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है आपको मैं आगे दिखाऊँगी कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है ये नीम लीव्स हैं ऑर्गेनिक है ये इसमें कोई केमिकल नहीं है बहुत अच्छा है नेचुरल है नेचुरल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता लेकिन हाँ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव uh, है और आपको इरिटेशन फील होती है तो आप इसे यूज़ ना करें ठीक है लेकिन ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही है कोई इतना वो नहीं है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं फिफ्टीन मंथ्स तक इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन उनका मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया मैंने ये यूज़ किया इसलिए मैं आपको इसका बता रही हूँ आप इसकी पैकेजिंग चेक करें इसकी लिड है अंदर एक जो इसको प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग से ही आप इम्प्रेस हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त है और जो इसके अंदर ये पाउच टाइप है इसको आपने फेंकना नहीं है ठीक है जब भी आप यूज़ करेंगे इसको इसके अंदर रखना है ताकि ये ख़राब ना हो अगर आप इसको फेंक देंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा और इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दरदरे टाइप हैं बिल्कुल पिसे हुए नहीं है क्योंकि नीम को आप जब पीसते हैं तो वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं होता अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता दे रही हूँ मेरी स्किन दो रंग की हो जाती है क्योंकि हम बाहर जाते हैं आजकल तो बहुत गर्मी है आप सब जानते हैं तो आपकी स्किन अगर टैन हो गई है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है रिड्यूस करता है रिंकल और फाइन लाइन्स को एंटी एजिंग से भी बचाता है आपको और स्किन को क्लींस भी करता है ये डीपली और ये बहुत अच्छा है इसके बहुत फ़ायदे जो मुझे पता था वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये आपको यू वी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है जो आप जब भी सूरज में जाते हैं तो ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं अच्छा आप किसी कंपनी का अगर नहीं लेना चाहते तो ये पंसारी से भी आसानी से मिल जाएगा नहीं तो आप घर में भी से बना सकते हैं घर में बनाने का तरीका ये कि आप नीम के पत्ते ले लें अगर आपके घर धूप आती है तो आप अच्छी तरह सुखा लें कि उसमें नमी बाकी ना रहे ताकि वो जब आप ग्रैंड करेंगे तो वो आ, बिल्कुल अच्छे से ग्रैंड होगा जब आ, बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर आपने उसको ग्रैंड कर लेना है और वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल पाउडर नहीं होगा थोड़ा दरदरा रहेगा नहीं तो आप पंसारी से भी ले सकते हैं घर में भी बना सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं मैंने ये दराज से लिया था अगर आप चाहें तो आप भी ये ले सकते हैं अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं मुझसे तो मैं आपको दे दूँगी तो आज की वीडियो में मैंने आपको बस इसके बेनिफिट्स वगैरह बताने थे कि आपको ये क्यों लेना चाहिए और किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर दबाएँ दबाएंगे तो आपको आवाज आएगी टिंग 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 आवाज़ आएगी आपको और आपको दबा के मज़ा आएगा ठीक है ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा तो खदीजा को दीजिए इजाज़त तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्ला